পাসপোর্ট দেখুন, পাসপোর্ট বলে কি হয়, কালার ব্ল্যাক, ব্ল্যাক হম লোক সব হ্যাঁ, অল ইন্ডিয়ান আর ব্ল্যাক, ইন্টারন্যাশনাল চশমা আর হোয়াইট কোন হ্যাঁ তো ওই ভুরা হয়। तो एक इंडिया से कुछ लोग जाके वहां रहने लगा और ढाबा वाला खोले, इंडिया वाला क्या करे, गया तो ढाबा खोल दिया अपना चल रहा है, हवाई को भी ले गया, अपना काम चालू रखा। तो 3 साल के बाद जो है मैदान में वो घोड़ा बच्चा के साथ है, वो इंडियन बच्चा भी खेलने लगा। 4th साल आया तो फिर 5वां 6वां 8 साल हुआ तो देखा कि आधे याद जो है इंडियन है वही, कहा कि तो देखिए तो धीरे धीरे अंत में 60% हो गया इंडियन का बच्चा, क्योंकि यहाँ तो हम लोग का भगवान गॉड गिफ्टेड, हम लोग आदमी का उत्पादन कर देंगे। इतनी शक्ति है कि पूरे माल्थसकार के जमीन पर कीड़ा मकोड़ा के तरह आदमी चलने लगेगा, इतना आदमी हो जाएगा, भूखे मर जाएगा। निराशावादी थे, माल्थस वाले पेसिमिस्ट इकोनॉमिस्ट, फैमिली प्लानिंग आ गया और कहता है कि एजुकेशन इज बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, 35% रिजर्वेशन बिहार में महिलाओं को दिया गया। कोई भी पढ़ी लिखी जो महिला है वो 35% का जो एडवांटेज उठाने के लिए एमए तक फ्री है, एमएससी तक फ्री है। मैंने सोची 0 से लेके एमएससी फ्री, अमेरिका में इस बात को, कनाडा में इस बात को बोलिएगा तो लोग विश्वास करेंगे, विश्वास आपको पीछे होगा। कुत्ता को प्यार करें, आदमी का बच्चा हो रहा है तो उसको कह रहे हैं कि बेकार है, फालतू है, पर पैदा तो पहले करो, होबे ना करेगा। कोल्ड कंट्री जो है वहां लाकर पूछ कर दी सब हो जाएगा, वो नहीं होगा। रोबोटिक्स की बात करते हैं तो कहता है कि एजुकेशन जो है कि ये बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ाई, और जैसे पढ़ जाएगा तो उसका जो नॉलेज होगा, नॉलेज पावर इज ए वेल्थ पावर, नॉलेज कैपिटल इज ए ह्यूमन कैपिटल। अब खुद देखिए ना, देश आपका अनाज में, और 67 में आप अनाज को छू रहे हैं, अछुए क्या तो बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, कर्जा लेके लार्जेस्ट स्केल इंडस्ट्री, लार्जेस्ट स्केल इंडस्ट्री में जेस्टेशन पीरियड ज्यादा होता है, 15 वर्ष लग जाएगा चिमनीये बनने में, होने तब तक टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, इतना फास्ट टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है। खुद आप देखिए मोबाइल, आप खुद खुश है कि हम ले लिए, अगर वहां तक कहता है कि आपका S7 है ये पुराना हो गया, आपका नया क्या है, S10। हर 6 महीने पर मोबाइल का टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, उसका फीचर्स भी चेंज हो रहा है। देखते रहिए, देखते देखते आ जाएगा ऐसा कि कमर में लगाइए ऑन कीजिए, स्विंग से उड़ा देता है ऊपर ऊपर अपना तैरते हुए चले जाइए कॉलेज में, स्विंग से दबाइए उतर ले, यस सर, निशा राम सिंह यस सर, पहुंच गए एकदम ऑन टाइम। ह्यूमन डेवलपमेंट वाला चीज बनाइए ना, इससे बहुत लाभ होगा। अब ये अलग बात है कि उपरे उड़ेगा मारपीट उपरे कर ले, क्या लगेगा, हाँ तो क्या लगेगा, नदी गंगा जी में आप जाइएगा रात में, पानी हो गया कि सोना लेके जा रहा है तो लुटेरा आ जाए कि नहीं, नाविक लुटेरा तो थाना बनाया है गंगा नदी में तैरता हुआ थाना, मालूम हुआ दिल्ली से गया पकड़। और वो छोड़िए ना, सी पैरेट्स, पायरेट्स जो है सी वाला समुद्री डाकू, वो आपका सोना जब गोल्ड स्टैंडर्ड था, सोना जब जा रहा है दूसरे देश में लूट लेता था, बहुत तबाही होती थी, गोल्ड भेजने में तबाही होती थी, पानी के रास्ते ले जाया जाता था, हवाई जहाज का विकास उतना नहीं हुआ था। तो हरित क्रांति 67 में नहीं आकर के 57 में आता, 52 में आता, 51 में आता, तो 51 में हैरडोमर मॉडल लगाए गए, और हैरडोमर मॉडल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डेवलप्ड कंट्री के लिए है।
एग्रीकल्चर में वो मॉडल नहीं होता, उसके जगह पर एग्रीकल्चर का मॉडल दूसरा लगाना होता है जो बाद में रैग्नर नर्क्स या आर्थर लेविस लोगों का है। कृषि के क्षेत्र को फोकस करके करते तो एग्रीकल्चर में जो 1967 में एग्रीकल्चर का न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी जो हमारे यहाँ सभी जगहों पर हरित क्रांति लाई गई, 69 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया। मुद्दा यही था कि कृषि को देता है 2% लोन, 98% लोन देता था उद्योग को। श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी आयरन लेडी कही गई, बहुत लोग सराहा, फर्स्ट स्टेज उनका जूता बहुत अच्छा था, हम लोग भी स्टूडेंट्स थे जाके वोट गिराए थे, गाय बछड़ा इनका था, भाषण देती थी गरीबी हटाओ, लोगों के दिमाग में आया करीब बाकी तो इससे बढ़ा के क्या हुआ गरीबी हटा। बाद में पता चला कि गरीबी हटने का चीज नहीं है, सापेक्षिक गरीबी आपको बनी रहे। जीवन स्तर ऊंचा उठना चाहिए, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना नंबर वन पर हो गया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या है, नंबर वन है लॉन्जिविटी, नंबर टू है एजुकेशन, नंबर थ्री है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये तीन अगर आपका ऊंचा है, लॉन्जिविटी अधिक है, एजुकेशन आपका पूरा है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा है। अभी आप देख लीजिएगा आपके आसपास रहने वाले जितने लोग हैं उसमें शायद ही कोई ऐसा लोग होगा जिसके पास स्मार्टफोन नहीं होगा, सबके पास स्मार्टफोन, सबके पास कान दोनों में लगा के आप सुनने वाला क्या सुनता रहता है पता नहीं चलता, लेकिन क्या में लगाया रहता है, ऐसा लगा लिया कि ट्रेन वो बज रहा है बजाय वो सब कट गया। जो वहां पर जो हुआ घटना पंजाब में तो बहुतों के कान में लगा हुआ था, ट्रैक पर बहुत आदमी कान में लगा के चलता है कट जाता है, कुछ भी सुनाई नहीं देता, ढक्कन बंद, बंद में खाली जो मोबाइल उठाएगा वही जा रहा है, अच्छा अच्छा चीज दे रहा है तो खो गया उसे, खो जाना भी एक चीज है, खोने के लिए लोग क्या करता है अफीम खाता है, जैसे पूरा डोज अफीम कर लिया तो एकदम उसको लगने लगेगा कूड़ रहे हैं तो हाथ उठ के लागेगा उसे। मर्जुआना की क्या नाम बोलता है उसको, सब तरह का चीज है, आजकल सुनते हैं कि कनाडा में भी अलाउ कर दिया, गुप्त रूप से मंगा के खाता था तो कहा है कि इसको अलाउ कर दो, जैसे हम लोग के यहाँ शराब को हम लोग बंद कर दिए, तो कहता बहुत जरूरी काम है हमको रांची जाना, पागल हो गया क्या भाई, क्या रांची में पागल खाना है, तो हमको डाउट हुआ कि कुछ ब्रेन व्रेन का टेस्ट करा था, एक आदमी कहा कि ब्रेन का टेस्ट नहीं, ये अपना टेस्ट बदल के वहां जाते हैं, वहां शराब खुला हुआ गया, तीन दिन रहा पूरा पीऊ करके पचा के तब आया, यहाँ मुंह में घुसा दिया, उतरते एयरपोर्ट पर तो वहीं से अरेस्ट करके ले जाएगा, पूरा पच जाए पूरा निकल जाए आपको बाथरूम से, और फिर पानी पूरा एक दो चार लीटर पी के पचाइए तब चलिए जहाज, इतना शराब का जो है ये वहां बिहार के लिए बहुत अच्छा, सोशल रिवोल्यूशन इज नेसेसरी इन बिहार। तो कहता है कि हरित क्रांति का जो पीरियड था 1967 उसको क्वांटिफाइड कराया 1969 से सरकार, और कहा कि ऋण देगा बैंक, एग्रीकल्चरल पॉलिसी में क्रेडिट पॉलिसी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर, सीड पॉलिसी सब उसी से रिलेटेड है, सीड पॉलिसी, फर्टिलाइजर पॉलिसी, पेस्टिसाइड पॉलिसी, इरिगेशन पॉलिसी, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल टूल्स पॉलिसी, ये सारे पॉलिसी अलग अलग थे जो कि कृषि विभाग द्वारा संचालित थे, लेकिन नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी नाम भी कुछ है। ये बड़ा भारी दुर्भाग्य अंधकार को रखे,
ही जितना भी जो आपको बीज है वो सारा बीज कहां से आएगा? मेक्सिको से आएगा। और दूसरी ओर बीज का उस तरह के बीज का उत्पादन भी हमारे देश में शुरू हुआ, पंतनगर में बीज का और जगहों पर बीज का उत्पादन शुरू किया गया, लेकिन शुरू के दौर में वहां से मंगाया गया। केमिकल फर्टिलाइजर्स को क्या करते हैं? NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम। इसका रेशियो होना चाहिए 4:2:1। इस रेशियो में अगर ये डाला जाएगा तो कृषि की उत्पादकता में 400% की वृद्धि, 400% की वृद्धि उत्पादकता में 400% की वृद्धि होगी। क्लियर है? NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। आप सुनते होंगे कि बिहार में शिक्षा मित्र वो पोस्ट हो गया है। शिक्षा मित्र का यही सब काम है, कृषि मित्र, शिक्षा मित्र जो है स्कूल का पढ़ाई लिखाई संबंधित है, आइए वो है किसान सलाहकार। वो किसान मित्र है या कृषि मित्र है, कृषि संबंधी वो सलाहकार सलाह देगा कि कैसे कितना डालना चाहिए। अब जब भी हवाई जहाज पर चढ़िएगा तो चढ़ते आपको हवाई जहाज उड़ने के पहले आकर के जो अनाउंसर है वो अनाउंस करेगी कि हवाई जहाज उड़ेगा जरूर लेकिन कुछ गड़बड़ी होगा तब उतार देंगे, और उतारेंगे तो कोशिश करेंगे पानी में उतार देंगे, उससे बचने का संभावना रहेगा। आपको क्या करना है कि जो रास्ता है उस वहाँ से कूद जाना है नीचे और पहन के पैराशूट का एक रखा हुआ है उसको पहन के उसी को सिखाती है कि फूंक करके पहन करके फूंकिए आप कूद जाइए इस द्वार से, और उस द्वार पर कूद जाइए तब फूंकिए, और बड़ा मुश्किल है कहीं उल्टा कर दिया, फूंक कर कूदिए। एक दरवाजा पर है कि पहले निकल जाइए बाहर, बाहर निकल के कूदने के पहले फूंकिए बाहर निकल के, आ एक में है कि भीतरे आप फूक लीजिए कूद जाइए तो फूल जाएगा, फूल जाएगा तो आपको गिरिएगा तो चोट नहीं है। इस सब हर बार समझाती है। उसी तरीके से कृषि का जो सलाहकार है उस समय नहीं, सरकार देखी कि खाद जो है बड़ा महंगा है और हर किसान हमारे यहाँ खाद को अफोर्ड नहीं कर सकता है तो सब्सिडी दी, इसको कहा जाता है फर्टिलाइजर सब्सिडी। यूरिया सस्ता हो गया, अब किसान ले आया आ एक पैकेट वाले यूरिया छींटना था तो सस्ता था तो 3 पैकेट छींटा, अब बीज डाला तो मकई का पेड़ मान मकई का जो पौधा होता है वो सराख से लंबा हो गया, अब 12 वो बाली निकल गए और सब खपड़ी। क्यों? क्योंकि वो डाल दिया जाते NPK के जगह पे NPK में क्या डाल जाते हैं 37-9-1, बिहार का बोल रहा है 37-9-1, भूमि ही बर्बाद हो गया। जहां इस तरह का डाला तो सॉइल जो है डिग्रेडेशन हो गया, सॉइल डिग्रेडेशन हो गया, फर्टिलिटी घट गया क्योंकि रेशियो गड़बड़ हो गया। आप देखिएगा कि आपको कहेगा कि आपके शरीर में प्रोटीन ज्यादा हो रहा है, प्रोटीन अच्छी मत खाइए, प्रोटीन की कमी है तो कहेगा प्रोटीन अच्छी खाइए, तो कौन एलिमेंट सीखना चाहिए? सब्सिडी दिया जा रहा है खाद का, यूरिया का, तो 2 पैकेट 1 पैकेट की जगह 3 पैकेट डाल दिया तो इससे बहुत खेतों में हानि हुई। और शुरुआती दौर में कुछ लोग कहने लगा कि हरित क्रांति से उपज जो होगा वो ट्रेडिशनल वेराइटी से ऊपर से कम है, जो चित्र आपको दिखाएगा। हरित क्रांति में नियम था डिसिप्लिन,
टाइम पर बीज लगाइए, टाइम पर पानी डालिए, टाइम पर खाद डालिए, टाइम पर कीटनाशक दवा डालिए, सब चीज टाइम के अनुसार होना चाहिए, तब उत्पादन 400% बढ़ेगा। अगर टाइम के अनुसार आप नहीं करते हैं तो उत्पादन आपका 400% नहीं बढ़ेगा। ट्रेडिशनल वाला बेहतर। तो बहुत से लोगों को समझने में देर लगा और लगा कि पता नहीं ये जो है क्रांति सही है या नहीं। सबसे तो आश्चर्यजनक बात है, जैसे ही खेत में ट्रैक्टर को लाया गया 1968 में भयानक चेचक फैल गया। अब बहुत लोग चेचक से मर गए। लोग कहा कि देखिए ये पृथ्वी मैया के ऊपर में चढ़ा दिया ट्रैक्टर, हल बैल से खेती होती थी, कभी ऐसा चेचक हुआ? लेकिन फिर अगला साल जो हुआ वो ऐसा कटी घटना नहीं हुई। तो प्रचारक तो बराबर आपको प्रचार में लगा रहे, उस समय मीडिया भी नहीं था। रेडियो से जो मन की बात हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन करते, नहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू मन की बात करते थे। अभी रिसेंट में कौन मन की बात कर रहे हैं? हाँ, ऐसे पहले कौन थे प्राइम मिनिस्टर? तो नो साउंड टेक्नोलॉजी उनका था, नो साउंड टेक्नोलॉजी, सब बात मुस्कुरा के या सिर झुका के इशारे से चला लिए। 10 साल कोई हंगामा नहीं हुआ। ये इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिस्ट जो है बिना बात का नहीं बोले। बोल रहे हैं कि हरित क्रांति करो और सब बराबर 4-1 करो और तुम 39 और 9 और 1 कर दिए बिहार में, खेत बर्बाद हो गया बहुतों का। तब जाकर के कृषि सलाहकार क्यों बहाल किया गया है? और हमारे यहाँ श्री श्री बीज है, कृषि में गेहूं का श्री बीज, चावल का श्री बीज, उसका सारा टेक्नोलॉजी अलग है जो बिहार में ईजाद किया गया। कम खाद में कैसे उत्पादन अधिक हो, ये टेक्नोलॉजी है श्री श्री बीज। कृषि रोड मैप जो बिहार का तो सारा लिखा हुआ, बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार इकोनॉमी, रिटन बाई डॉक्टर कृषि वर्मा, 112 पेज की किताब। यहाँ 10 पेज, 20 पेज, 100 पेज लिख करके पुरस्कार प्राप्त करता है अकादमी से। 112 पेज का आता है उसको, इतना कोई पढ़ेगा? सारा कृषि जो है बिहार का, सारे बिहार का जो इकोनॉमी है उसके सारे पॉइंट्स को उसमें आप देखिएगा एकदम जड़ से समझाया हुआ है। एक बार आप पूरा पढ़ लीजिए तो कहीं भी आप लिखने में पीछे नहीं हटिएगा, हर 10 पॉइंट मौजूद है। कहता है कि इकोनॉमी में 4-1 होना चाहिए एनपीके, तब बिहार में हो गया 39:9:1, उत्पादकता बढ़ेगी कि घट जाएगी? घट जाएगी। तो ये हरित क्रांति का नियम भी है कि हरित क्रांति में आपके मनमाने आपके चाहने से नहीं होगा, उसका जो टाइम शेड्यूल है उस टाइम शेड्यूल के अंतर्गत आपको काम करना है। टाइम शेड्यूल बड़ा महत्वपूर्ण होता है। टाइम शेड्यूल पर अगर आप काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है लाभ होगा। तो कहता है कि इकोनॉमी में 1969 में जैसे राष्ट्रीयकरण हुआ बैंकों का, तो किसान का ऋण देने की प्रक्रिया बढ़ गई। कहा कि ऋण जो वाणिज्य बैंक जो ऋण बांटेगा तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर फिक्स कर दिया भारत सरकार कि जो भी लोन दोगे उसमें 40% लोन रहेगा, जिसमें 16% किसान को, उसके बाद निर्यातक को, उसके बाद स्टूडेंट को, उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, इस तरीके से ये कहलाएगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। सबसे स्ट्रॉन्ग बैंक हमारे यहाँ कौन है? नेशनलाइज बैंक। जितना पैसा उसके पास उतना पैसा किसी के पास नहीं, स्टेट बैंक अकेला एक बैंक है। यहाँ जो है 19 बैंक है, तो वो 3 मिला के या साइड मिला के गया, फिर भी जितना फंड इसके पास है सही तरीके से उपयोग।
किसान क्रेडिट कार्ड आ गया, खेतों में बाहर है किसान क्रेडिट कार्ड, खींचिए स्वैप कीजिए पैसा निकल जाएगा। हर तरह से किसान को फैसिलिटी दिया गया, लेकिन प्रकृति उसके साथ, क्योंकि कोई राष्ट्रीय पॉलिसी नहीं, सरकार जो है अपना हाथ आयरन स्टील इंडस्ट्री को लगाया, और कृषि के लिए जो बड़ा सा डैम बना के पानी भेजना था, तो इतना बड़ा बड़ा डैम के फेर में पड़ गया कि उस डैम का लो बनाने का जेस्टेशन पीरियड फिर हो गया 20 साल 25 साल। स्टेट बोरिंग पहले रहता था जिससे कि पानी खेत में जाता था, सारा नहर सूख गया, नहर पर लोग भवन बना लिया, जिस नहर से पानी खींचा किसान को मिलता था वो सब बंद हो गया। प्रकृति को हम लोग नजरगारे में हैं, स्टेट का खर्चा जो है पब्लिक सेक्टर का कृषि पर खर्चा आप देखिएगा आंकड़ा गूगल में, तो लगातार डिक्रीजिंग है। देश है कृषि प्रधान देश, अनाज मंगा के बाहर से सोना देके अनाज मंगा रहे हो, सोना देकर अनाज मंगा रहे हो, मतलब किसान अनाज उत्पादन कर रहा है कि सोना उत्पादन कर रहा है? सोना लॉजिकल क्या हो जाए? अनाज अगर आप बाहर से मंगा रहे हैं तो देश का सोना उसको पेमेंट कर रहा है, और हमें जब अनाज उत्पन्न कर दिए तो क्या बचाए आपका? सोना बचाए, क्या बचाए? सोना बचाए। और आप इसके लिए नेशनल पॉलिसी आपने नहीं बनाया, डालते रहे, किसी को छूना नहीं चाहता कहीं 19-20 हो गया तो वोट बैंक की सक जाए। क्या उनसे नेशनल पॉलिसी, जब आप अनाज बाहर से मंगा रहे थे तो पहला फोकस किस पर होना चाहिए था? कृषि पर। आप देखिए कि डैम को बनाने में पूरा होना मुश्किल है, बहुत सारे डैम अधूरे पड़े हुए हैं, पर्यावरण भी दागे हैं लोग कि डैम बनने से हानि क्या क्या है, डैम बनाने में लाखों गांव डैम में चला गया, तो पुनर्निवास की समस्या आई। सब बिना किए हुए भी आप स्टेट बोरिंग करके पानी देना शुरू कर सकते हैं, और नहर के द्वारा पंप के द्वारा पानी पटाया जा सकता है। मन में ठान लिया तो देखिए गांव में पेयजल नल जल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गांव में कहता है कि टॉयलेट के ऊपर में रख दिया है पानी का टंकी, जाके तो देखे नहीं, आप लोग गांव से है टंकी है और उसमें पानी है कि नहीं? वहां से चलाएगा तो आता है, तो सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है। अब यही है कि सस्टेनेबल होना चाहिए, तो सस्टेनेबल होने के लिए बिजली बिल कौन देगा? बीच में पाइप फट गया तो कौन बदलेगा? एक कॉरपोरेशन बना के वो सारे को उसकी जिम्मेवारी दो, फोन करने पत्र ठीक करो, तो बड़ा मुश्किल है ना। पानी नहीं है तो बिना धोले निकलेगा, पानी चाहिए वहां, कब तुम्हारा पानी बंद हो गया कम हो गया, इस सब पर नजर रखने के लिए जरूरत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसमें लगाओ टंकी का पानी खाली, कैसे कहता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पानी की टंकी भर गई है मोटर बंद कीजिए, पानी की टंकी भर गई है मोटर बंद कीजिए, कहता कि नहीं कहता? उसी तरह से कहे लगा तो दिया ना, गांव गांव में शौचालय हो गया नहीं हो गया, मॉडल है अभी सौ और सस्ते उड़ानी। तो कृषि के लिए नीति नहीं बना के बहुत बड़ा समझिए का अपराध है हमारे देश में। तो नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी जो है 1951 में बनना चाहिए। पॉपुलेशन पॉलिसी 1951 में बनना चाहिए, डायरेक्ट पॉपुलेशन पॉलिसी बनाया ही नहीं। प्लानिंग फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट था, हेल्थ डिपार्टमेंट, उसी से जनसंख्या का नियंत्रण का सब उपाय किया जाता था, कोई नेशनल पॉलिसी नहीं। नेशनल पॉलिसी जो है पहली बार वर्ष 2000
कृषि की राष्ट्रीय कृषि नीति चेक कीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी के प्राइम मिनिस्टर से नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 1974 में इंदिरा गांधी संजय गांधी के जमाने में हुआ था, जिसमें आया था कंपल्सरी जनसंख्या नियंत्रण की कई इंडिकेशंस था। सैलरी आपको तब मिलेगा सरकारी एम्प्लॉय को जब आप एक कम से कम नसबंदी किसी का करवाएंगे, और सैलरी लेना है तो धड़फड़ा के अपने करवाएंगे, अगला महीने में साला को फूस लाया लाया साला का करा, अगला महीने में साली करते हो कितना आदमी को ला लेगा, नौकरी करेगा कि जाके फूस ला के लाए। हम लोग लेक्चर थे तो हम लोग क्या भी आया कि अब आप लोग को भी लाना होगा, हमें बताइए स्टूडेंट को फूस ला के करवा देंगे तो और भी बड़ा अन्याय हो जाए। और इस पॉलिसी का इतना भयावह विरोध हुआ कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है वो 75-77 में गिर गई और भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ पहली बार, और उसके बाद लोग फिर शांत हो गया। जो सरकार आई कही कि 1974 की जनसंख्या नीति को खारिज किया जाता है, कहा कि बनाइए, कहा बना रहे हैं ना, लेकिन छुआ नहीं, क्या बना। वर्ष 2000 जनसंख्या की नीति आई, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, कृषि की पॉलिसी आई, नेशनल कृषि पॉलिसी जिसको कहा जाता है सतरंगी रेनबो में बहुत तरह का रंग होता है, कौन रंग होता है, कौन कौन रंग होता है, हम लोगों को बचपन से खाता था मास्टर बहनी आप ही ना, अभी भी वही है, इंग्लिश में क्या है? इधर आई, इधर आई, अब तो बहुत समझदार आलोक नाम है आपका, आइए आइए और उसको बोलिए और उसको उस टर्म को जरा बताइए, यहाँ पर आइए, यहाँ पर अब तो लंबा है यहाँ खराब है, लिखने पर बोलो ना सामने में खराब है, सामने खराब हाँ VIBGYOR लेकिन बी से हो गया वायलेट और से ऑरेंज हो गया बी से हमरा भी धीरे धीरे बोलो बी से वायलेट बी से वायलेट और इसके बाद आई से इंडिगो बी से ब्लू जी से ग्रीन वाई से येलो और ओ से ऑरेंज और आर से रेड। वाह ताली बजाइए मुकेश आप आई हिंदी में बहनी आप की नाम है उसको बताइए तो बीच से निकल जाइए बराबर और बीच से निकलने का रास्ता बना के रखिए। यहाँ खड़ा हुई यहाँ पर खड़ा हुई देखिए आपका चेहरा आ रहा है कि नहीं हाँ यहाँ सेंटर में बोलिए आसपास में क्या बोले जा रहे हैं रंग बोल रहे हैं नाला बी से बैगनी नी से नीला आ से आसमानी पी से पीला ना से नारंगी ला से लाल। भारत वर्ष में ब्लू रिवॉल्यूशन क्या आ गया ब्लू रिवॉल्यूशन तो बी हो गया ब्लू ग्रीन रिवॉल्यूशन व्हाइट रिवॉल्यूशन है ना गोल्डन रिवॉल्यूशन तो ब्लू रिवॉल्यूशन मछली के लिए हो गया हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया अनाज के उत्पादन के लिए येलो रिवॉल्यूशन हो गया ये मस्टर्ड सरसों सीड ऑयल सीड्स सरसों येलो रिवॉल्यूशन ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया ब्लू रिवॉल्यूशन हो गया व्हाइट रिवॉल्यूशन हो गया दुग्ध का होता मिल्क का उत्पादन गोल्डन रिवॉल्यूशन हो गया फ्लावर्स फ्लोरिकल्चर फूल का उत्पादन है ना
नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी का है कि हरित क्रांति में सारा चीज कृषि से जुड़ा हुआ है, इसलिए रेनबो पॉलिसी अपनाई जाएगी। गिर जिसका एक हिस्सा हुआ गिर रेवोल्यूशन, किसान को किसान की आमदनी को चार गुना करना है, अगर आपको दोगुना करना है तो कृषि के साथ साथ मछली का व्यापार, कृषि के साथ साथ मछली का व्यापार, फूल का व्यापार, सरसों तेल का व्यापार, दूध का व्यापार, मछली का व्यापार, सबको मिलाइएगा तो कुल मिला के कम समय में कृषि क्षेत्र में आय दुगुनी हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी। जब अनाज का उत्पादन 400% बढ़ गया, कतला रेहू मछली का साइज जो है 4-4 किलो 5-5 किलो का एक मछली हो गया, ये सब जो है ब्लू रिवॉल्यूशन का कमाल है। भारतवर्ष में क्या नहीं है, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां 22 तरह की मिट्टी है, 22 types of soil। इसको हम लोग नहीं कह रहे हैं, इसको कह रहा है अमेरिका का एग्रोनॉमिस्ट फिलिप्स, जो पूसा में आकर के इस काम को खोज के निकाला, पूसा में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बिहार बना है। अब पूसा के आगे फिलिप्स का पी जोड़ दीजिए तो पूसा हो गया। पूसा की उत्पत्ति कैसे हुई, फिलिप्स यूएस, तो हम लोग जो है नामकरण करने में आदे रहते फिलिप्स यूएस है, तो फिलिप्स लंबा है तो पी ले लिया उसका, यूएसए के आगे पी लगा दिया तो क्या हो गया, पूसा। दिल्ली में जाइएगा तो पूसा इंस्टीट्यूट, बस में देखिएगा पूसा। तो बिहार में 22 तरह की मिट्टी है जो तो किसी भी राज्य में नहीं है 22 तरह की मिट्टी। बिहार संसार के विभिन्न देशों में एक ऐसा जगह है जहां की मिट्टी सबसे अधिक टाइप्स की है, और हर टाइप में अलग अलग फसल 400% होगा। गांव का आदमी है पहलवानी करता है, आज शहर वाला मान ली बॉक्सिंग करता है, तो पहलवानी गांव ले तो उसको उठा के पटक देगा, जब तक वो बॉक्सिंग मारे मारे पटक देगा। आई बॉक्सिंग का जवाब बॉक्सिंग से देना चाहेगा तो पिटा जाएगा कि नहीं, पैसा मारेगा नॉक करेगा कि दाग, ये कोई सिनेमा नहीं है। पैसा सलमान खान जो है मार खा रहा है तो भी जीत के वही लिख रहा है, वो कोई सिनेमा देख रहे थे, एकदम मार उठे इसका मुंह फाट दिया, हमको बड़ा मन में लगा कि लगता है कि अभी हार गए, पता नहीं सलमान खान है एक बार जो है जीत लिया। तो कहता है कि इकोनॉमी में कृषि की नीति जब होगा तो गूगल में देखिए 2000 और दूसरा देखिए कृषि नीति 2014-15 जो मोदी सरकार है। मोदी सरकार जब आई तो पिछले नीति में एक अपना जोड़ा और सबसे पहले ऑर्गेनिक स्टेट का निर्माण किया। कौन सा ऑर्गेनिक स्टेट, सिक्किम। हरित क्रांति जो हमारे यहाँ की गई उस पर कुछ खामियां हैं, जिस कारण से हम लोग चाहते हैं कि सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन फिर स्थापित हो, फिर स्थापित हो सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन। क्यों, क्योंकि वो धीरे धीरे कैपिटलिस्टिक फार्मिंग में बदल गया। ग्रीन रेवोल्यूशन हैज बिकम कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। हमारे यहाँ 75% किसान मार्जिनल फार्मर और स्मॉल फार्मर, 75% किसान क्या है, मार्जिनल फार्मर है या स्मॉल फार्मर, तो 25% किसान करता है जो कि लार्ज स्केल वाला है, वही बेनिफिटेड हुआ हरित क्रांति से। और यही कारण है कि कुछ राज्यों में हरित क्रांति सिमट कर रह गई और 400% अनाज दिया उसी से हम लोग सभी आदमी खाने लगे। अब आंकड़ा देखिए गूगल में, इंडिया का खेती वाला जो जमीन है जिसमें हम लोग खेत खेती करते हैं वो 27 एकड़ के आसपास, 27 मिलियन हेक्टर। चाइना का भी ये लगभग उतना ही बिलिंग 27 मिलियन हेक्टर,
ऊपर देखिए भारत क्या है, 274 मिलियन ये 274 मिलियन टन और चाइना का 674 मिलियन टन, ये 200 और 600 तीन गुना हो गया, 300% उसका लगा, क्योंकि वो हर जगहों पर हरित क्रांति का उपयोग जो किया है वो इक्वली किया है। पावर टिलर का मतलब क्या होता है आप गांव के हैं, पावर टिलर मतलब क्या होता है, छोटा वाला ट्रैक्टर, एक आदमी बैठ गया वो करके जैसे बैल चलता है चल। तो भारत भी चल, भारत का कहता है कि भूमि का खंड खंड है, पढ़ रहे थे तो लिखे हुआ था कि चीन का जो भूमि का खंडन है वो भारत से ज्यादा है, बहुत छोटा छोटा प्लॉट है। तो चाइना वाला कहा कि काम करो अपने ही हिसाब से जो है वो समय ट्रैक्टर बनाओ जो बैठ के उसी से जोत, तो बड़ा ट्रैक्टर के जगह पावर टीलर आएगा, खर्च भी कम हो गया और छोटे से छोटे खेत को भी जोत दिए और हर हालत में उपज बढ़ाओ। चाइना में उपज बढ़ गया, गरीबी घट गई तो विश्व की गरीबी घट गई, विश्व का ऑर्गेनाइजेशन जो है चाइना को धन्यवाद दिया कि बात चाइना बात, आप अपने यहां गरीबी घटाए तो विश्व का गरीबी घट गए, विश्व में है कौन, चाइना और इंडिया का जोड़ दीजिए तो बाकी सब तो अमरी पर गिरने वाला है। तो कहता है कि नेशनल पॉलिसी जो हमारा बनना चाहिए जिससे हम लोग कृषि को दूर करेंगे, तो नंबर वन कि जो कृषि का क्षेत्र है उसमें फूड क्रॉप्स और कमर्शियल क्रॉप्स दोनों को महत्व दिया जाना चाहिए HYBCs। बिहार के गन्ना में पेड़िएगा तो निकलेगा 8% सुक्रोज, और महाराष्ट्र का गन्ना पेड़िएगा तो निकलेगा 14% सुक्रोज, तो बिहार का चीनी मिल लाभ कमाएगा कि हानि में चला जाएगा, और बिहारी चीनी भारत बिहार का चीनी खरीदेगा कि महाराष्ट्र का चीनी खरीदेगा, बिहार का चीनी हो जाएगा 74 रुपए किलो और महाराष्ट्र का चीनी होगा 36 रुपए किलो, तो हमारा जितना बिहार का चीनी मिल है उतना पड़ा हुआ है, टेक्नोलॉजी पुराना आ गन्ना छठी मैया जो है वो जब रहती है तो कुछ गन्ना देखिएगा अच्छा अच्छा रहता है, उतने भर गन्ना को ठीक से डेवलप करता है जो छठी मैया का समय बिकता है, और बाकी सब गन्ना जो है ना वो छड़ी के समान है, खींचिएगा तो ओट कट जाएगा रस निकल के नहीं, पहलवान को देखते गुस्सा कूद रहा है झुन झुन बज रहा है और रस थोड़ा थोड़ा चूरा है, और चले जाइए आप महाराष्ट्र में जगह जगह लिखे रस बनती गाड़ी रोके चल रहे क्या है वो ठीक से देख रहा है ना कुछ सारा गुरा आदमी वहां देखे कि बाहर में गन्ना रखा हुआ है लगाया गया गन्ना इतना मोटा मोटा, जो स्टूडेंट्स के ट्रिप पे थे घर घर सब पीना शुरू किया, हम कह रहे ये वो दू वो ले लिया तो दू वो पिएगा, लेकिन एक गिलास पीने के बाद आपका कंठ जो है यहाँ तक क्लियर आकर अरे पियो नहीं शराब नहीं हो आप उधर हॉर्न बजाना चाहिए फिर चाहिए अब कहें बांट लो सब कहा सब कोई नहीं तो छोड़ दे कहा कि मना किए थे कि महाराष्ट्र का जो गिलास है ये पटना वाला गिलास के इतना बड़ा छोटा सा गिलास गिलास का स्पेलिंग भी गलत लिखे हुआ है ये 5 रुपये गिलास फर्सी कार्ड भी कार्ड का कोई चेंज नहीं इतने बड़ा गिलास पीते जाइएगा मार्जिनल यूटिलिटी घटेगा कि बढ़ेगा मार्जिनलिटी बढ़ेगा क्योंकि साइज आपका छोटा है आकार नॉर्मल है और वहाँ महाराष्ट्र में इतना बड़ा गिलास है पूरा लबालब दिया मस्त होकर समझ लीजिए कि रसवर्ती का स्वाद नहीं। महाराष्ट्र के भूमि में 98% जो सुगर केन का कृषि क्षेत्र है उसमें 98% इरिगेशन, तो रसदार होगा कि नहीं होगा, 98% इरिगेशन है सुगर केन के क्षेत्र में, सब सुगर केन में क्या जाएगा पानी जाएगा अच्छा होगा, हमारे यहाँ 37 से 47% इरिगेशन है,
किसान गन्ना लगाना छोड़ दिया है, वो रहा सरकार जो रही है सब्सिडी दे रही है, लगाइए। देखिए अब तो चुना भी है कि कौन कौन जगह पर लगाना चाहिए जहाँ की गन्ना लगाने से उत्पादन ज्यादा होगा।